नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। मैं इस समय राजस्थान के डांग एरिया में हूं। डांग एरिया का मतलब धौलपुर ज़िला, और जो डकैतों से लंबे वक्त तक प्रभावित रहा इन गांव में मैं आया हूं। गांव का नाम है मोठियापुरा, और यहां दरअसल इसीलिए आना हुआ क्योंकि पिछले दिनों जो बारिश हुई उसकी वजह से यहाँ खेतों में बाजरे की खड़ी फसल गिर गई। बहुत सारे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किसान है मेरे साथ, इस खेत के मालिक हैं। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह मीना है। महेंद्र सिंह, आप बताओ, अभी आप जो हमें बता रहे थे खेत में जो बाजरा गिरा है, कितना नुकसान हुआ? इस खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पूरा खेत मतलब ये बाजरा नीचे गिर गया है पानी से, और हवा चली साथ में, तो ये बाजरा गया है पूरा पानी से, सड़ने लगा है। अब कितने बीघे में था ये? 1.5 बीघे है। डेढ़ बीघे का पूरा सारा बाजरा गिर गया है समझो, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रह गया है। तो मतलब अभी किस वजह से गिरा है? पानी और बरसात आई, उसके साथ हवा आई। हाँ। तो उस पानी बरसात से, हवा बरसात से गिरा है, नुकसान हो गया। नुकसान अगस्त के महीने में पानी गिरा कि नहीं? यहाँ नहीं, अगस्त नहीं, अभी सितंबर के महीने में ही गिरा है। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब फसल को पानी की जरूरत थी तब पानी बारिश गिरी हुई थी कि नहीं? जब जरूरत थी जब तो नहीं गिरा था। अब पकने पर कोई जरूरत नहीं थी पानी की जब ये पानी आया था, इसलिए बाजरा पूरा गिर गया। पूरा 1.5 बीघा खराब हो गया या कुछ बचा भी है? हाँ, 1.5 बीघा भी खराब हो गया पूरा। और यहाँ गांव में और खेतों में भी नुकसान हुआ? हाँ, पूरे गांव की खेती नष्ट हो गई है समझो। अच्छा, तो इसमें आप बीमा वगैरह कराते हो कि नहीं कराते? नहीं, इसमें बीमा वगैरह नहीं कराया। फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना नहीं कराया? नहीं कराते? नहीं कराया। तो मुआवजा कैसे मिलेगा फिर? हमें जानकारी नहीं है फसल बीमा योजना की, कोई जानकारी मिलेगी अभी तो कराएं। इतना तो नहीं पता तो होगा? नहीं पता है, लेकिन ये नहीं पता है कौन करता है, कैसे कहाँ कराना है, कोई जानकारी नहीं है। नहीं, किसी से पूछते तो कोई जानकारी देवे अभी तो करावे। आप फसल बीमा योजना में बीमा ही नहीं कराते? बीमा जानकारी नहीं है तो नहीं कराया है। हाँ, गाँव में कोई ने नहीं करा पूरे गाँव में। हाँ बिल्कुल, जब नुकसान होता है तो फिर तो मतलब आप ही के ऊपर आता होगा। हाँ, नुकसान तो हम ही खुद ही झेलते हैं, एक रुपया नहीं ले रहे। सरकार, राजस्थान सरकार की तरफ से गिरदावरी वगैरह होती है? हाँ होती है। इस बार हुई है कि नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं हुई है, पहले हुई है, अब काफी दिनों से नहीं हुई है गिरदावरी। अच्छा, तो अभी तो मतलब चलता है कि 15 सितंबर तक, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक गिरदावरी होती है, अपने आप ये नियम है। आपकी अभी तक नहीं हुई? नहीं, नहीं हुई है, बिल्कुल गिरदावरी नहीं हुई है। तो ये इस तरह के हालात हैं किसानों की, जो अगस्त के महीने में बारिश होनी थी लेकिन तब बारिश नहीं हुई जब फसलों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन जब ज़रूरत नहीं है, फसल पका पर है अपने, तब बारिश हुई, और उस बारिश के साथ हवा चली, तेज़ हवा चली, उसकी वजह से फसलें आड़ी हो गई और किसानों का भारी नुकसान हुआ। आप देख रहे थे किसान तक। उत्तर प्रदेश, मैं बार बार कहता हूं कि अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा इस प्रदेश पर रही है। पहली नजर में यह आपको कोई विदेशी लोकेशन लग सकता है, लेकिन ये है उत्तर प्रदेश का एक गांव जहां देसी विदेशी सैलानी आ रहे हैं। ताज्जुब ये है कि ना तो यहां कोई ऐतिहासिक इमारत है, ना ही सैलानियों की इस यात्रा के पीछे कोई धार्मिक वजह। इसके पीछे है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की एक योजना जिसका नाम है कृषि पर्यटन। इस स्कीम का असल उदाहरण मिलता है वीर भोग्या वसुंधरा का नारा बुलंद करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई की धरती बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के बांदा शहर से कुछ दूर चलने पर प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह का फार्म मिलता है, जिस फार्म पर हरे भरे बाग हैं, तालाब है और खेत खलिहान है। उसी फार्म पर पर्यटकों के लिए बना हट भी मिलता है। ये विलेज टूरिज्म का उत्कृष्ट नमूना है जो तेजी से पॉपुलर हो रहा है। दरअसल अगर आप ध्यान दें कि जब से लिखित और अलिखित इतिहास में इस देश में आते काहे के लिए थे लोग, ग्राम पर्यटन के लिए ही तो आते थे। तो मेरे पास तो 22-24 देशों से लोग आए हैं, तो मैं उनका माइंडसेट जानता हूँ। वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप का छोटा है या बड़ा है, कैसा है, वो आपके मड हाउसेस में रहना चाहता है, मिट्टी के मकानों में ही रहना चाहता है वो। योगी सरकार ने पर्यटन नीति 2022 में पहली बार ग्राम पर्यटन को बढ़ाकर कृषि पर्यटन तक ले जाने की पहल की है। इस योजना में
फार्म स्टे की तर्ज पर किसानों के खेतों पर बने घर, मड हाउस और हट में रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। उन गांवों को चयनित किया जा रहा है जहां जैविक खेती की जा रही हो, विशेष फसलें उगाई जा रही हो या फिर बुनकरों हस्तशिल्पियों का गांव हो। इसके पहले चरण में किसानों समूह में खेती करने वालों और FPO से प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें 50 लाख से 5 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए सरकार 30% तक की सब्सिडी देगी। इस योजना के लिए किसान बैंक से अपनी लागत का आधा लोन भी ले सकते हैं। शहर के लोगों को एक बेहतर जगह हमेशा लगता मिलती है। पूरा ग्रुप का ग्रुप आके यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं वो आते हैं और बढ़िया खाना पीना अभी बनाते हैं, और उनके जो सहयोग में जो गांव के लोग होते हैं, जैसे आसपास के लोग हैं तो आ रहे हैं, वो अब उनको खाना पीना बनाना है कुछ है, तो 2-4-6 लोगों को बीच बीच में कम से कम थोड़ा सा रोजगार भी हम कह सकते हैं उनका मिल जाता है कि उनका खाने पीने की तैयारी करना है, ये करना है, वो करना है। शुरुआती चरण में आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या के आसपास के इलाकों में कृषि पर्यटन के केंद्र विकसित करने पर जोर दिया गया है। इससे ग्रामीण अंचल को पर्यटन के माध्यम से न केवल विश्व फलक पर पेश किया जा सकेगा बल्कि ये ग्रामीण आबादी की आय में बढ़ोतरी का भी सशक्त माध्यम बनेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।